हमारे पास सी फैप का कोर्स किया है, सही है। हमारे पास सी फैप में कैफ और सी फैप में क्या फ़र्क है, हमारे पास सी फैप का ओवरऑल कोर्स किया है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। प्लस जो आपने फर्म में जाना है या फर्म में जा चुके हैं तो उस चीज़ को आपने किस तरीके से यूज़ करना है, बिकॉज पेपर जो है ये काफ़ी प्रैक्टिकल है, ठीक है। थोड़ा सा एक इस सब्जेक्ट के बारे में बैकग्राउंड ले लेते हैं। C56 दो लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा। सबसे पहली चीज ये है कि इसके अंदर चूंकि ऑडिट का सब्जेक्ट है और मेजोरिटी बच्चे ने जाना कहाँ पे होता है, ऑडिट फर्म में जाना होता है। और ये आईकेप के पास भी स्टैट्स होते हैं, 97-98% बच्चा मेरे पास ऑडिट फर्म में जा रहा होता है। जब ऑडिट फर्म में जा रहा है तो पेपर इस एजम्पशन से बन रहा होता है कि यार बच्चे के पास एक फर्म का एक्सपीरियंस है और फर्म की जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं वो बेसिकली इस सब्जेक्ट का पार्ट बन रहा होता है और इसी सब्जेक्ट में उसके सवाल आ रहे होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये कि जो कि हम फर्म का पार्ट होते हैं तो पेपर भी उसी हिसाब से आ रहा होता है। कैसे थोड़ा सा और ज्यादा लेवल होता है और लेवल इस अजम्पशन पे होता है कि जब आप फर्म में काम सीख चुके हैं, पहली चीज तो ये। सेकेंड चीज, इस सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इससे आपका एक फ्री का सब्जेक्ट अनलॉक हो जाता है जिसका नाम है MSA1। और MSA1 के अंदर भी अराउंड 50-60% एरिया हमारे पास एडवांस ऑडिट का होता है। तो फायदा ये होता है कि बच्चा लेट से पहली अटेम्प्ट में एडवांस ऑडिट और FFR की तरफ जा रहा होता है तो उसका प्राइमरीली रीजन ये होता है कि जिससे उसका अगली अटेम्प्ट में MSA1 अनलॉक हो जाता है। MSA1 अनलॉक हो जाता है, FFR एडवांस ऑडिट पढ़ा हुआ होता है तो उसको इतनी ज्यादा उस पर ज्यादा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी होती है, रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी होती है, वो बड़े आराम से कर सकता है। तो ये हमारे पास दो चीजें हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जी, एक तो ये कि हमारा फर्म में काम आएगा, सेकंड चीज हमारे पास MSA1 को ये अनलॉक करेगा। तो जब दूसरी अटेम्प्ट होती है बच्चे की तो बच्चा ज्यादा पेपर ऑप्ट कर सकता है। 6 महीने बाद पेपर होते हैं तो वो जो उसके दो नॉर्मल पेपर होते हैं वो तो दे ही रहा होता है, साथ में एक फ्री वाला सब्जेक्ट भी दे सकता है। इसकी इंपॉर्टेंस इस लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, अगर इस सब्जेक्ट को हम सही से नहीं पढ़ेंगे या तमीज से नहीं पढ़ेंगे तो ये वाइस वर्सा है। अगर इस सब्जेक्ट को आपने सही से नहीं पढ़ा तो फर्म में सही से काम नहीं कर सकेंगे, फर्म में सही से काम नहीं कर रहे होंगे तो सब्जेक्ट की सब्जेक्ट कभी भी ठीक से समझ नहीं आएगा। बिकॉज जो कुछ आपने कैफ में पढ़ा हुआ या जो कुछ हम सीफेप में पढ़ेंगे ये वो सारी चीजें होंगी जो कि हमारे एग्जाम्स में आ रही होती है और ये वो चीजें होंगी जो कि आप प्रैक्टिकली इंशाल्लाह फर्म में जाके देख रहे होंगे। तो ये उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इसके सिलेबस की मैं थोड़ी सी बात करूँ, अच्छा एक चीज मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में ऐड कर दूँ, इसके बैकग्राउंड में मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, इसका रिजल्ट काफी, हाँ जी, C5-1 से लेके C5-6 तक जो हमारे पास रिजल्ट है, इसका रिजल्ट एक दो अटेम्प्ट पहले तक 9% से 11% ऑन एवरेज इस सब्जेक्ट का रिजल्ट था। कैफ में फिर भी 30-35% आ जाता था, पास हो जाते थे। इस सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो 9 से 11% में से भी 70% या 60% बच्चा वो होता है जिसकी चौथी या पांचवी या छठी या सातवीं अटेम्प्ट हो रही होती है। ये उसमें से एक फैक्ट है, ये सही है। तो ये रिजल्ट काफी काफी खराब प्रोड्यूस कर रहा होता है सब्जेक्ट, सही है। एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट इसका रिजल्ट हमेशा से खराब है। ये 7-8-9 में भी होता, जब आप लोग के जमाने में 7-8-9 होते थे तब भी होता था, और ये C5-6 का भी ये हाल है। इसके एग्जामिनर कमेंट्स देखेंगे वो एक चीज बड़ी सिंपल आपसे पूछ रहा है, और वो कह रहा है कि यार मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कहते हुए कि एक बच्चा जो कि ऑडिट फर्म का है और ऑडिट के सब्जेक्ट में फेल हो रहा है। ये कैफ में भी कह रहा होता है बार बार और ये सीफेप में भी कह रहा होता है, कह रहा है एक फर्म का बच्चा, चाहे वो PwC का हो, KPMG का हो, GT का हो, EY का हो, कि एक फर्म का बच्चा जो कि फर्म में प्रैक्टिस कर रहा है इस सब्जेक्ट को, वो काफी, उसके दो रीजन है इस सारे एग्जामिनर कमेंट्स के और इस सारे रिजल्ट्स के, प्यारे बच्चों, दो बेसिक रीजन है। सबसे पहला बेसिक रीजन हमारे पास है कैफ में अगर हमारी अप्रोच सही नहीं हुई होगी, अगर हमने कैफ ठीक से नहीं पढ़ा हुआ होगा, हम अल्टीमेटली आके सीफेप में हमने फेल ही होना है। कैफ में अप्रोच का मतलब क्या है? अगर कैफ में आपने चीजों को तमीज से, लॉजिकली, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन और चीजों को नहीं पढ़ा होगा, सीफेप में आके आपको एक मसला होगा। क्यों? बिकॉज आप फर्म में जा रहे होंगे तो वो चीजें जिस तरीके से चल रही होंगी आपको उसका आइडिया नहीं हो रहा होगा कि क्यों बन रहा है, डॉक्यूमेंट किस तरीके से बन रहा है, किस आयजा के हिसाब से बन रहा है। आप में से कोई है फर्म में? अभी फर्म में फाइल्स वगैरह देखिए, आप कितने साल हो गए आपके फर्म में? सर 6 months हो गए। कोई फाइल वगैरह देखी है आपने? कौन सी फर्म में? तो कोई फाइल वगैरह देखी होगी, एक ऑडिट की फाइल बनती होगी, उस ऑडिट की फाइल के अंदर ठीक ठाक डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं। वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो डॉक्यूमेंट्स किसी ना किसी आयजा की रिक्वायरमेंट से लिंक्ड होते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने कैफ में आयजा को तमीज से पढ़ा होगा तो वो डॉक्यूमेंट समझ सकता है, और जब वो डॉक्यूमेंट समझ लेगा तो उसको समझ आ जाएगा यार ये काम मैं कर क्यों रहा हूँ। जब उसको ये समझ आ जाएगा प्रैक्टिकली कि मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ, सीफेप में उसको मुश्किलात पेश नहीं आएगी।
सेकंड सबसे बड़ा मसला सीफेप का ये है, आइजा की रीडिंग। कैफ में तो हमने 50 पेज की समरी और 100 पेज की समरी और 400 पेज की समरी, हम इसको देख के काम चला लेते हैं। सीफेप का सबसे मुश्किल पार्ट ये है कि इसमें हमारे पास आइजाज है और आइजाज ओपन बुक पॉलिसी है। चूंकि ओपन बुक पॉलिसी है तो सबसे बड़ा मसला जो बच्चे को आता है और एंड तक यही आ रहा होता है, उसके आइजा रीड नहीं हुए होते। चूंकि उसके आइजा ही रीड नहीं हुए हुए तो आई कैप कहीं से भी कोई भी सवाल बना के किताब से पूछ रहा होता है, और वो 20 से 30 नंबर का सवाल, नॉर्मली 20 से 30 नंबर का सवाल थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड बना के वो आइजा से टेस्ट कर रहा होता है। चूंकि बच्चे ने आइजा रीड ही नहीं किया हुआ होता या आइजा कवर्ड ही नहीं किया हुआ होता तो वो इन एरियाज में आके फ्लंक कर रहा होता है। बाकी जो पेपर होता है वो सिनेरियो बेस्ड होता है। जब तक आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा ये सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा मसला करेगा। देखिए दोनों चीजें, इस सब्जेक्ट को अगर पढ़ेंगे नहीं फॉर्म में 1.5 साल जाया कर देंगे, बिल्कुल क्लियर। अगर ये सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ूंगा तो फॉर्म में 1.5 साल क्या चल रहा होगा, कुछ नहीं। आप 6 महीने काम कर चुके हैं, इंशाल्लाह अगर आप क्लासेस लेते हैं, फाइनल में पढ़ते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, एक चीज समझ आएगी। जब चीज समझ आएगी तो आपको समझ आ रहा होगा यार ये काम मैं कर क्यों रहा हूँ, जब ये काम क्यों कर रहा हूँ, तो फिर आपको एक तरीके से चीजें समझ में आना स्टार्ट होंगे। एक वही वाली बात है ना कि अभी जब आप अकाउंटिंग जितना भी पढ़ लें, जब तक आप खुद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा अच्छा जी डिस्क्लोजर की ये भी रिक्वायरमेंट होती है और इसकी प्रेजेंटेशन ऐसी भी होती है और इसको ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं और इसको ऐसे डीरिकॉग्नाइज करते हैं। जब तक एक चीज खुद प्रैक्टिकली नहीं करेंगे वो चीज कभी भी आपके समझ में नहीं आएगी। यहां तक बात समझ आती है। अच्छा एक और चीज जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि अगर कैफ में अगर आपने जो किताब रेफर करी है और वो किताब ऐसी हो जो किससे अलाइंड हो, आइजा से अलाइंड हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना बताऊं, जो मेरी किताब होती है वो मुश्किल किताब कहलाती है, लेकिन उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है कि वो आइजा से अलाइंड होती है। तो इससे भी आपको एक चीज समझ आ जाएगी, हमारा कैफ और सीफैप का कोर्स 60-70% सेम है। हमारा कैफ और सीफैप का कोर्स, तो अगर वो कोर्स सेम है तो इटमीन्स कॉन्टेंट भी सेम होगा। टेक्निकलिटी लेवल बढ़ सकता है लेकिन उसका कॉन्टेंट भी हमारा क्या होगा, चूंकि कॉन्टेंट भी सेम होगा तो अगर आप यहाँ पे एक मेहनत कर चुके हैं अच्छी तो आप ऑटोमेटिकली इस चीज को ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैफ में गोइंग कंसर्न पढ़ चुके हैं तो अगर आप आइजा 570 घर जाके खुद सनेट रीड करेंगे, आप मेरा यकीन करें आप 90% स्टैंडर्ड को रीड कर सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है, तो आप 90% स्टैंडर्ड को रीड कर सकते हैं। जल्दी चलिए चलिए ये बात समझ आती है, हमें ये बात समझ आती है। अच्छा एक चीज जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि हमने ये देख लेना है अब हमने थोड़ा सा कंपेयर करना है। हमने सीफेप का पूरा सिलेबस यहां पर लिख लिया है और सीफेप के सिलेबस को लिख के हमने ये असेस करना है कि यार कैप से कितना मिलता जुलता है, कौन सी चीजें नहीं है और पेपर किस तरीके से आ रहा होता है, और फिर इसके बाद हमने इंशाल्लाह एक टॉपिक स्टार्ट करना है। डन हो गया। अच्छा अगर मैं अब आपसे बात करूं सिलेबस की, यार ये फाइल बना दीजिएगा सिलेबस की, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं सिलेबस की तो हमारे पास जो